व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं। मुझे ना सबसे एक बात करनी बहुत अर्जेंट। हम लोग विजिट करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कैनल्स ऑल ओवर इंडिया। वो टैबलेट 2000 रुपए की आती है, एक डॉग को डलेगी। बब्जी को कौन खिलाएगा? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? बब्जी को सिर्फ तुम खिला सकते हो, वो कहाँ से खिला लेंगे? वो तो क्या हो रहा है यहाँ पर पीछे वाले कमरे के अंदर है? क्या हो रहा है? डेथ पे कपड़े क्या पहन के जाते हैं? अरे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। तो गाइस अभी हमने जाना है भादुगढ़ और मन्नी ना वाइट वाइट कपड़े निकाल रही है। वाइट वाइट नहीं, वो तो चक्कर अच्छी एज में गए हैं, लेकिन हाँ। कोई फिर भी ऐसे कपड़े ऐसे थोड़ी ना लाऊंगी। वैसे तो नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो सिर्फ निकल रहे हैं। निकल तो चलते हैं। तू क्या बोल रहा है? वाइट वाइट कपड़े डाल दिया। वाइट कपड़े पहन के जाते हैं हैं? वाइट 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 कपड़े भी डाल दिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात। और ये नहीं टिक रहा भाई दादी, फिर साथ ही मरेगा मेरे। ये भादुगढ़ नहीं जा सकता इतनी गर्मी के अंदर। क्या करे, कहाँ छोड़ के जाऊँ बताओ ना, फिर मेरे को वो नहीं मान रहा भाई। चुपचाप चला जा दादी के घर। समझ नहीं जाना दादी के घर? नहीं जाना क्यों नहीं जाना दादी के घर? दादी जरूर कुछ कहती है? दादी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मना कर रहा यार, हद हो गई यार, हम कैसे जाएंगे? मैं अपने आप को संभालूं, एक तो मेरे पास कपड़े नहीं है, ऊपर से मैं बच्चा संभालूं। तो गाइज अभी हमने एक घंटे के अंदर मैक्सिमम निकला, आधे घंटे के अंदर हमने निकलना है भादुगढ़। और मेट्रो में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भादुगढ़ अगर हम जगह तो हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। मेट्रो में 45 मिनट लगेंगे। और यहाँ मम्मी अपनी रोज की ड्यूटीज निभाते हुए जेब को गंदे पे उठाते हुए जा रही है आगे वाले रूम के अन्दर। और शिवाय गया है नानी घर। और ये मन्नी सोच रही है, नानी तो खुद ही वही है। अच्छा नानी तो, हाँ दादी के घर। तो शिवाय तो दादी के साथ टिक जाता है। और यहाँ पॉटी की हुई है तो मैं आपको ये नहीं दिखा सकता, ठीक है? चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी रेडी हो रहे हो? हाँ हो रहा हूँ। टाइम हो गया, दोपहर के 2 बज गए हैं और हमने 2:30 बजे तक निकलना है जल्दी से जल्दी। तो थोड़ा सा ना कुछ खा पी लेते हैं, फ्रूट कटवा लेता हूँ या खा लेता हूँ। और आपको हमने अपने फैमिली के एक नए मेम्बर से नहीं मिलवाया, जो संगीता जी हैं, तो वो भी हम आपको जल्दी मिलवाएंगे। अभी वो मिक्सअप हो रही है, 1-2 दिन हुए उनको हमारे साथ रहते हुए, तो एक हेल्प तो है हमारे पास। टाइम हो गया दोपहर के 2। सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल विद बास्केटबॉल आवाज ऑफ शिवाय कोहली। तुमने जब से बैकग्राउंड म्यूजिक बंद किया ना, शिवाय ने अपना देना शुरू कर दिया है। तो मनी कह रही है जब से मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद किया तब से शिवाय ने बास्केटबॉल खेल खेल के बैकग्राउंड म्यूजिक देना शुरू कर दिया। तो गाइस काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन लेना बंद कर दिया, कमेंट सेक्शन लेना बंद कर दिया, तो हम आपसे कैसे इंटरेक्ट करें? गाइस मैं आपके सारों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ बट, और उसका व्लॉग में ना जवाब भी दे देता हूँ बट, अब वो इंडिविजुअली पढ़ना और करना तो काफ़ी लोग कह रहे थे यार बोर हो जाता है, ठीक है? और जिन लोगों को पसंद है तो आपके लिए आज ज़रूर आएगा कमेंट सेक्शन, क्योंकि सैटरडे और संडे के ब्लॉग के अंदर हम डेफिनेटली 2 दिन कमेंट्स लेंगे। और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ, उसके आंसर आपको इस ब्लॉग के अंदर आगे मिलेंगे। अभी का सीन क्या है मैं आपको समझा दूँ, दोपहर के बज गए हैं 2, व्लॉग मैंने शुरू किया। ये व्लॉग आपको ड्रॉप होगा 6:15, 7 या 8 बजे तक, क्योंकि शूट भी तो करना है, ठीक है? या मनी छुपके छुपके ना पंजाबी तड़का हर ये हल्दीराम का, और मुझे नहीं पता क्यों भाई डाइट वाइट सब छोड़ दिए। हाँ। क्यों, नवरात्रे हैं? मैंने रखे ही रखे नहीं, पर नवरात्रे हैं तभी पंजाबी तड़का चल रहा है, वैसे तो कुछ नहीं। और घर की हालत मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा घर साफ हुआ है, यहाँ पनीर का परांठा इस भाई साहब का, ठीक है? आज मम्मा ने बनाया, आज दादी अवेलेबल नहीं है तो ये देखिए। पर इसको तेरे वाला परांठा भी उतना ही पसंद आता है जितना दादी वाला आता है। मेरा बहुत अच्छा बना। तेरा परांठा बहुत फूल के बना है ना, इसको भूख लगी थी। हाँ। मुझे ना सबसे एक बात करनी बहुत अर्जेंट। गाइज मैंने ना जो हमारी आपने देखा है केस का फैसला तो आ ही गया कि कॉश हो गया और दिल्ली में भी आ जाएगा, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली पैन इंडिया फैसला लग ही चुका है कि डॉग ब्रीड बैन पे अब कोई बैन नहीं है। लेकिन अब जो है मैं कई वीडियोस देख रही हूँ, बड़े बड़े जो बहुत बनते हैं अपने आप को जितने भी स्ट्रीट डॉग लवर्स हैं कि मतलब बहुत ही गंदी वीडियोस फैला रहे हैं कि ब्रीडर्स नीच होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं मानती हूँ कई लोग इलीगल ब्रीडिंग करते हैं, जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी भी करते हैं और मतलब बहुत गलत भी ट्रीट करते होंगे डॉग्स को, लेकिन जो ब्रीडर्स कम्युनिटी एक्चुअल है ना, जब आप उनसे मिलोगे ना, मतलब मैं बताऊँ आपको आर्मी लेवल के बंदे लगते हैं वो। इतने डिसिप्लिन, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करके वो लोग ब्रीडिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना
ब्लॉगिंग तो हमारी चली रही है, शॉर्ट्स हमारे चली रहे हैं यूट्यूब के, को एक नेक्स्ट लेवल एक लीप लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम मोस्ट प्रोबेबली कन्या कश्मीर टू कन्याकुमारी करेंगे, बट एक इसी पैटर्न में नहीं करेंगे, और के टू के मैं उसको नाम भी नहीं दूंगी। बेसिकली हम, मैं और राहुल क्या करने वाले हैं, हम लोग विजिट करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ऑल ओवर इंडिया। तो मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली के चैनल्स, दिल्ली के आसपास के चैनल्स तो करेंगे ही कवर, बट पंजाब, हरियाणा, कन्याकुमारी, चेन्नई, जहाँ पे भी आप कोई चैनल आपको लगता है कि ये चैनल ज़रूर विजिट करो, या कोई ब्रीड का नाम आप बताना चाहते हो कि हमें इस चैनल या इस पर्टिकुलर ब्रीड की ब्रीडिंग के बारे में जानना है हमें आगे। यार देखो, आप सब ने डॉग लेना है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी जगह से क्या डॉग लेना है, कौन अच्छा ब्रीडिंग कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ, एक तो इससे क्या होगा, देखो हमारे जो ब्रीडर भाई हैं उनकी जो इमेज मिट्टी में मिलाई जा रही है उसको भी रिवाइवल होगा, और अंदर तक आपको ना असली, मतलब मैं स्टिंग ऑपरेशन ही समझ लो आप इसको, है नहीं स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन मैं करूँगी उसी तरीके से कि मैं पूरा देख के आऊँगी कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे यकीन है मैं सक्सेसफुली होंगी इस चीज़ में, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उससे एक आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, यार मैंने बच्चा तो यहाँ से ले लिया पर ये लोग अंदर क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हमें तो सिर्फ बच्चा बच्चा मिलता है। तो मैं उस सीरीज़ में सारे ब्रीडर्स और जितने भी कैनल्स फेमस हैं और इवन नॉट सो फेमस हैं, जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं होती बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं वो विजिट कर, सारी प्रैक्टिसेस बताएंगे हम, हाँ। क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या हाँ। वो रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लाइसेंस नंबर क्या है, क्या ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डॉग की क्या केयर होती है, पेडिग्री कौन सी है, जेनेटिक्स के साथ कैसे खेला जाता है, तो एक कैसे चैंपियन बनाया जाता है, कैनल विजिट बेसिकली कितनी ऑथेंटिक ब्रीडिंग हो रही है, और मतलब हम आपको एक, उससे आपको ये भी हो जाएगा, मतलब आप लोगों के लिए क्या फायदा है, एक तो आप लोगों को भी अच्छा डॉग कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा, कैनल्स के अंदर तक देखने को मिल जाएगा, सेकेंडली आपको अगर डॉग लेना है तो आपको भी अवेयरनेस रहेगी कि यार दीदी ने कहा था कि यहाँ से लेना चाहिए, और दीदी खुद देख कर आई है तो दीदी गलत नहीं बता रही होगी, है ना, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मेरा तो, आपको लगे ना लगे, मैं तो वैसे प्लान कर ही चुकी हूँ, बट मैं आपसे फिर भी, आप हमारी फैमिली हो, मैं जानना चाहती हूँ आपको लग रहा है एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, थैंक यू सो मच। और कौन से चैनल पे आएगा ये तो बता दे। अभी तक तो हमने यही प्लान किया कि हम लेट्स टॉक K9 पे करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इतने चैनल्स हैं, उस पे वैसे भी शॉर्ट्स और वीडियोस डॉग ट्रेनिंग, डॉग बिहेवियर पे आती है, जो कि उस पे आगे भी आएगी, बट उसके ऊपर थोड़ा कैनल्स और डॉग, उसमें भी आपको बिहेवियर सिस्टम काफ़ी समझ में आएगा कैनल्स में, और क्या हम डॉग्स ही तो दिखाने जा रहे हैं ना बेसिकली। तो यस, लेट्स टॉक K9 पे आएगी, तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम अपना पहला विजिट करेंगे, और हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक जाएंगे शिमला, जहाँ पे रॉटवाइलर्स का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया में अगर रॉटवाइलर कोई 1970s 1980s के टाइम पे पहला रॉटवाइलर जब इंडिया में आया था मिस्टर सैबी लेकर आए थे, तो उन्हीं की आगे लेगेसी ली है मिस्टर सिकंदर सिंह ठाकुर ने, जिनका कैनल है वोम रॉटवाइलर करके, आप में से काफ़ी लोग अगर वोन कार्निवोर रॉटवाइलर है तो आप अगर जानते होंगे रॉटवाइलर्स के बारे में, आपको शौक है तो आपको सिकंदर सिंह ठाकुर और सैबी सर का नाम तो ज़रूर पता होगा। तो वो हमारा पहला वो रहने वाला है प्रोजेक्ट, तो विश अस लक कमेंट सेक्शन में, अगर आप प्यार करते हो हमसे तो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक ज़रूर लिखना, एंड थैंक यू सो मच, अभी तक आपने हमारे सब इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया, मैं चाहती हूँ आगे भी आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहो, थैंक यू सो सो वेरी मच। और ये क्यों घूमी जा रही है बार बार पैरों के अंदर, क्या घूम रही है, पनीर का पराठा खाना है तूने? तो गाइज अभी हम इन सारे बच्चों को लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन जो इनकी बची हुई है लगाने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ क्लोई की बची हुई है, और क्लोई का आखिरी एंटी रेबीज बचा हुआ है और कैनल कफ बचा हुआ है, आई गेस एंटी रेबीज हो गया, हाँ सॉरी कैनल कफ बचा हुआ है, कोरोना बचा हुआ है, तो आज ये दोनों लग जाएंगे। और साथ में आज हम करने वाले हैं बहुत मोटा खर्चा इनके ऊपर, क्योंकि सीज़न वो है गर्मियों का, और इसके अंदर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टिक्स की, तो हमने स्पॉट ऑन लगवाया था हमारी ये मैडम को जो नीचे घूम रही है, बट स्पॉट ऑन फेल हो गया, यस उन्होंने कहा था 3 महीने तक रहेगा, बट वो 1 महीना भी नहीं चला, क्योंकि ये जाते हैं पार्क के अंदर मिट्टी पानी कीचड़, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ना इस सीज़न कोई भी बीमार हो, तो हम उनको खिलाने वाले हैं एक क्या कहते हैं उसे जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कहते हैं ना, कौन सा होता है, हनुमान जी का लेके आए थे संजीवनी, तो हम खिलाने वाले हैं उनको संजीवनी बूटी, यस वो टैबलेट 2000 रुपये की आती है, एक डॉग को डलेगी और 1 साल की उसकी वैलिडिटी है कि इनको टिक्स नहीं होंगे, तो आज वो आपको दिखेगा इस व्लॉग में नहीं, कल सुबह के नमितोलॉजी के व्लॉग में कौन सी मेडिसिन है कैसे हम लेके जा रहे हैं, और भाई बब्जी को कौन खिलाएगा, बब्जी को कैसे खिलाओगे, मुँह खोल के कौन डालेगा, मैं तो नहीं कर रहा,
अब मैं देखता हूँ कौन उनमें से कितना बहादुर है, बब्जी के मुंह में कौन टैबलेट डालता है। बोलो खुद डालेंगे, हम खाने में लगा देंगे। नहीं नहीं खुद डालेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है। टैबलेट्स खरीद के नहीं लाऊंगा, आज नीचे आई हुई है और अब हम इसको पंजाबी तड़का खा रही है, ठीक है, और हम इसको नीचे ही रखते हैं अब अपने साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ घर के अंदर हमेशा एक गार्ड डॉग जरूर हो। गार्ड डॉग की भी बात नहीं है, घर के अंदर डॉग होने से ना यार ये कितना खुश रहता है मेरा, ये ना थोड़ा सा ठीक है, समझ रही है ना, तो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। क्लोडो इधर आ, इब्बू को किसी कर दे, आजा मेरा बच्चा, पहले मुझे करेगी। इसकी आंखें देखो, इसकी एक आंख नीली रह गई है पर विजन पूरी है। इसकी एक आंख नीली रह गई, विजन पूरी है, वो तो चलो ठीक है। इसके जो पंजे हैं भाई, ये किस्मत लाती है ये लड़की। इसके पंजे ज्यादा नहीं है मन्नी, इसके ज्यादा अपने पीछे वाले, अपने पीछे बापू जैसी है ये, है ना। हाँ, ये किस्मत लाई, देखो मेरा बेटा खुश है ना इसके साथ, सही है ना। मेरे बच्चे के और कोई फ्रेंड हो चाहे ना हो, लेकिन ये तो है ना हमेशा के लिए फ्रेंड्स फॉरएवर। बिल्कुल सही कह रही है ना। क्लोडो वैसे ना गाइस शिवाय के फ्रेंड्स काफी सारे बन गए, जाता है ना वहाँ पे स्केट करने, तो एक अंश है वो फिफ्थ क्लास में है, वो कहता है शिवाय मेरा फ्रेंड है। एक समर्थ है नर्सरी में, वो कहता है शिवाय मेरा फ्रेंड है, और ये भी बड़ा खुश होता है उनके साथ, उनको धक्के मारता है। ये धक्के मारता है उनको क्लोडो, अगर उन्हें पता चल गया ना कि शिवाय के पास तीन तीन रॉटवाइलर है और एक जर्मन जोई है, सारे भाग जाएंगे, कहेंगे हमें नहीं करनी शिब्बू से दोस्ती। सो गाइस फाइनली आज मैं ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज है सैटरडे और कल का व्लॉग थोड़ा सा बेटर चला है, चला सच में। तो मैं आज काफ़ी कमेंट्स लेने वाला हूँ, पंखा बंद कर दूँ ताकि आपको आवाज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस पहला कमेंट है, तो पार्थ जी लिखते हैं, जस्ट सेइंग एज ए फैन, जैसे जोसेरा का पेट प्रमोशन कर रहे हो, अच्छा अच्छा जो सेरा का पेड प्रमोशन कर रहे हो और कह रहे हो कि पेड़ नहीं है, कोई इतना हर दिन एक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता फ्री में, एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, इट फील्स सेम एज यू प्रमोट जैप। बाय द वे गुड व्लॉग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर न्यू कार, अभी तक हमने कार का आपको बताया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अब मैं एक प्रमोशन और करने वाला हूँ, रुको दो मिनट रुकना, मैं आपको लेके आता हूँ एक चीज़ में। तो जैसे ना ये आप देख रहे हो ड्राई बाथ, ये प्लेनेट पेट्स का ही है, यस जैप जहाँ जिनका है, तो हमने ना सोचा था कि क्लोई को हम नहलाएंगे, बट इवेंचुअली आपको पता है कि हमारा इतना स्केड्यूल टाइट रहता है कि हम नहला नहीं पाते, तो और ऊपर से ये पार्क में तीन बार जाते हैं, तो हर बार नहलाना दो दो तीन तीन दिन में मुश्किल है। तो ड्राई बाथ हमने उसी कंपनी का टस्क है जिसका जैप है, और ये है वो प्रोडक्ट, ये देखो दिख रहा है आपको, ये प्लेनेट पेट्स का है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट और इसकी MRP है 690, और अब मैं इसको प्रमोट करने वाला हूँ, चाहे आप इसको बोलो पेड है या नहीं है, बट मैंने ना ट्राई कर लिया है सही है, और अभी मैं आपको रील बना के डालूँगा। और पेड प्रमोशंस हाँ करते हैं हम, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट ये जो चीज़ है ना ये सबके लिए संजीवनी बूटी है, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना, प्लैनेट पेट्स का है, ये अमेज़ॉन पर भी आपको मिल जाएगा और इनकी साइट पर भी मिल जाएगा, अगर आपने पार्थ गुप्ता पूछा है तो। बहुत बड़ा जवाब दे दिया मैंने आपको। चलो जी अब स्ट्रीट डॉग्स को रिफ्लेक्टिव कॉलर पहनाओ, स्ट्रीट डॉग्स को मैं रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहले सोचा था डालने के लिए, बट हमने उनको दो को डाले भी थे और आगे जाके वो किसी से आपस में एक दूसरे कॉलर काट देते हैं, इसलिए हम नहीं डालते उनको, और कभी कभी हम कॉम भी करते हैं उनकी, तो कॉलर से पकड़ना ईजी रहता है, बट जब भी हम उनको कॉलर पहनाते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि हम उनको कॉलर से पकड़ने वाले हैं और उनको ज़बरदस्ती कंघी करने वाले हैं, जो उनको पसंद नहीं है इसलिए वो भाग जाते हैं, इसलिए हम कॉलर नहीं पहनाते। तो अगला, हैप्पी वैसाखी जसपाल सिंह, थैंक यू। लूना कहाँ है? लूना अपने घर पर है भाई, लूना जहाँ गई कहाँ गई अब पता ही नहीं है। दिशु, डिड यू फाइंड GF? राहुल भाई यू लुक सो क्यूट इन रेड, दिशु बताएगा। रोशनी कहाँ है? रोशनी कल भी यहाँ पे थी, अब भी यहाँ पर है, शायद बाहर ही लेटी होगी। भैया नमितोलॉजी के व्लॉग में सुबह आ गई है रोशनी, आप देख लेना। भैया यूपी में डॉग बैन नहीं हटा, मेरे पास दो रॉट वाइलर है। गाइस मैं आपको बताता हूँ, डॉग बैन ना हट चुका है, ठीक है। कर्नाटका हाईकोर्ट का तो क्वैशिंग हो गई है और 16 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट भी क्वैश कर देगा सेंट्रल के नोटिस को, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो जाएगा। तो
16 तक वेट कर लो और बाकी डरने की किसी से जरूरत नहीं है. आई हैव वन सजेशन फॉर यू सर, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय टाटा कार प्लीज सेलेक्ट द डीलर हु इज गुड. सम डीलर्स ऑफ टाटा डज नॉट गिव गुड आफ्टर सेल्स एंड बट कार्स आर गुड. आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर. अच्छा, आई एम ऑटोमोबाइल एंड गिविंग दिस सजेशन लव टू बोथ ऑफ द चैनल्स फ्रॉम गुजरात. थैंक यू. इनका नाम है रॉडन पटेल 1061. थैंक यू रॉडन, हम ध्यान रखेंगे. शालिनी शाह, फाइनली राहुल भैया एंड नमिता भाभी को एडवांस में रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी मॉम बहुत स्वीट है, आपके पेरेंट्स को मेरा प्रणाम. लव टू होल फैमिली, कोलकाता से. थैंक यू शालिनी शाह. कियान अली के मैसेज आए हुए हैं 3. राहुल प्लीज डोंट स्टॉप द कमेंट्स, प्लीज डू इट एवरी डे, इट्स नाइस यू एक्नॉलेज व्यूअर्स हु से नॉट टू टेक कमेंट्स, अवॉइड देम. तो मैंने ले लिया आज आपका कियान. हूएवर सेड अबाउट ईद एंड दिवाली और क्रिसमस हैज नो आइडिया. Love, peace and diversity, most important respect. My neighbors, one from Uganda and other Indian Hindu. During Ramzan, we share iftari food every day. During Diwali, we celebrate with them Navratri. Yes, मैं भी चाहता हूँ इंडिया के अंदर ऐसा ही कल्चर हो. There should be no casteism, no religion. ठीक है, मतलब सब ना एक दूसरे का मिल के रहो यार, बांटना क्यों है. वन यूनिटी में ही हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है. तो मेरा तो ये मैसेज है एंड आई बिलीव. ठीक है, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करो बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, अगर वो दूसरे रिलीजन का या दूसरी कास्ट का है. और स्किन कलर पे तो बिल्कुल भी नहीं. योर डॉग्स रियली वेल सोशलाइज, थैंक यू. द हेल्थ कंडीशन ऑफ योर इंडियन डॉग इज सुपर, थैंक यू. योर पैक इज रियली वेल सोशलाइज एंड द हेल्थ कंडीशन ऑफ योर इंडियन डॉग चमेली पपी इज सुपर एंड रोशनी इज अ पार्ट ऑफ योर पैक, आई अप्रिशिएट इट. आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल, आई लिव इन जोधपुर राजस्थान. यर डेफिनेटली विल मीट वन डे, वी आर प्लानिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 150, ये 151 एपिसोड है. जय श्री राम. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. भैया मैंने 6:30 AM बाउल में पानी रख कर स्कूल जाता हूँ, फिर जब 2:30 पे आता हूँ तो रिफिल करता हूँ, फिर इवनिंग में करता हूँ, उसको क्लीन करता हूँ दोबारा. आपने मेरा मैसेज पढ़ा और आप ये करते हैं, आपको शत शत प्रणाम. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. पानी पिलाना इस लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स, मेरी एडुकेशन, मेरे संस्कार ये कहते हैं कि किसी को पानी पिलाओ तो आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है, आपको बहुत अच्छा फील होगा. और डेफिनेटली होता है, कभी आप भी प्यासे हो, कोई आपको पानी पिला देना तो आपको एक होता है कि हाँ आशीर्वाद. तो वो डॉग्स जो बोल नहीं पाते उनके लिए अगर आप इतना कर रहे हो गर्मियों के अंदर, थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू फॉर योर एफर्ट. इनका नाम है हेमंत मिश्रा. थैंक यू हेमंत जी. भाई खिलाना है तो चला हूँ मगर क्या, सिर्फ बिस्किट और दूध खाते हैं. आप कुछ बताओ वेज ऑप्शन में जो स्टेड अच्छे से खाते हैं. देखो, क्योंकि बचपन से उनको दूध और बिस्किट ही दिए हैं तो आप उनको वो कंटिन्यू करो, कोई मनाही नहीं, उसको रोकना मत. उनकी रोटी नहीं रुकनी चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है. ठीक है, बाकी जो स्ट्रीट डॉग्स बचपन से इवॉल्व हो चुके हैं, उनको इचिंग भी नहीं होती है, ग्लूटेन की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दैट कम्स अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर लाइफ सर्कमस्टेंसेस. तो जो आप खिला रहे हो खिलाओ, अगर आगे जाके इंक्लूड करना चाहते हो दही और चावल इंक्लूड करो, सबसे सेफ है. दही वेज भी है, दूध का डेरिवेटिव है. ठीक है, और ठंडी दही दो, ठंडे चावल और ठंडा पानी मिला के थोड़ा सा करके देखो, अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 150 एपिसोड्स ऑफ दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल. लॉट्स ऑफ लव टू द होल फैमिली ऑफ जे एन जोई. थैंक यू सो वेरी मच. अंकुश खेतकर 1575. भैया हैट्स ऑफ टू यू, आपने इनके लिए कॉलर का सोचा, इट्स कम्प्लीटली योर गुडनेस. भैया एक सजेशन दूँ आप ना, वो मिट्टी के बर्तन आते हैं उसमें रख कर पानी एक अपने पैक के लिए. भाइयों मैंने मिट्टी के बर्तन 2500 का आता है मेरे यहाँ पे, मैं 4 लेके आया था, अगले दिन फिर मैं 100 के 4 लेके आया था. ये जो है ना हमारे डॉग्स हैं, चमेली को छोड़ के जो इनके बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मैं बर्तन में पानी रखता हूँ. मोर ओवर गाय भी पीती है उसमें से. ठीक है, और डॉग्स ही पीते हैं, अच्छा है पानी रखना. बट ये क्या करते हैं, मुंह से ना उसको गिरा देते हैं. मैं ऊपर ही रखूँगा, रोड पे तो रखूँगा नहीं, मैं जैसे थड़ बना होता है उस पर रखता हूँ, वो गिरा देते हैं. वो चीज़ ना कॉस्टली पड़ती है तो मैं प्लास्टिक के लाता हूँ, ताकि अगर साफ़ भी करना हो ना तो उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाला और हाथ मारा वो साफ़ हो गए. मिट्टी वाले बर्तन को चूने से रगड़ना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. बट थैंक यू सर. लूना कहाँ है प्लीज़ रिप्लाई. लूना मुझे नहीं पता, कोई ट्रेसेबल नहीं है. किसी ने बोला था कि उसको ले गए थे और वो अच्छे घर में पल रही है, मुझे कोई उसका सुराग नहीं मिला है. टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ले रहे हो क्या, पता नहीं, पता चल जाएगा आपको. नाइस पोस्टर बब्जी, ये पिटेगा मुझसे कालू, मुझे माफ़ कर दे बब्जी. इस तरह का टाइटल रखोगे अपने ब्लॉग्स
का ताऊ यही मैसेज जाएगा कि रॉड्स आर वेरी अग्रेसिव. बेटा तुम एंटरटेनमेंट नहीं समझते, एंटरटेनमेंट समझो. आई थिंक बाहर कूलर लगाने का आइडिया सही नहीं है. उनके बाहर का एनवायरनमेंट यूज तो होने देना चाहिए. मे बी आई एम रॉन्ग गाइज. एनवायरनमेंट ना बच्चों के लिए अभी बहुत नया है. अभी वो 6 महीने के हैं, उन्होंने पहली उनकी सर्दियाँ देखी थी, पहली गर्मियाँ देखेंगे. और इस बार कह रहे हैं कि 50 डिग्री और 55 डिग्री के बीच में दिल्ली का वेदर रहेगा, लू चलेगी. तो मैं नहीं चाहता कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना बच्चे मर जाएँ. पूरी ज़िंदगी जब से वो पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं उनको, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि मेरी एक इस एफर्ट अगर मैं नहीं करता और बाय चांस उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा. तो मैं ये ज़रूर करूँगा और आपको भी करना चाहिए. हर एक को हक है इस गर्मी के अंदर, अगर आप उनको घर के अंदर नहीं ला पा रहे तो एटलीस्ट उनके लिए पानी रख दो, एक शेल्टर सा बना दो ताकि छाँव में रहें और अच्छा रहें. तो कमेंट सेक्शन आज बहुत सारे हैं. पारुल चौहान 7831 कहती हैं, राहुल भैया प्लीज़ मेक एजुकेशनल वीडियो. आई मीन जनरली यंग जनरेशन आफ्टर 10 दे गो फॉर PCM कॉमर्स एंड सो ऑन. प्लीज़ कोर्स शुड प्रॉबली ऑप्ट आउट सो दे शुड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट. गाइज मैं इसके अंदर रहता हूँ. आई एम एन इंजीनियर, मैंने अपनी मास्टर्स की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर. उसके अंदर मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो था वायरलेस नेटवर्किंग. तो मैं आज के ज़माने में ये करता हूँ, जो बंदा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ही काम करें. मैं अपने बच्चों का भी फोर्स नहीं करूँगा कि तू साइंस ले या कॉमर्स ले, तुझे आर्ट्स लेनी आर्ट्स ले, मैथ्स पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, बट डू फॉलो योर ड्रीम. और क्योंकि नौकरियां तो बची नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, देर सो टाइट कॉम्पिटिशन इन इंजीनियरिंग. आपको मिल भी जाएगी पर जिंदगी भर, आप जब 50 साल के हो जाओगे उसके बाद आप सोचोगे यार मैंने क्या किया पूरी ज़िंदगी में. सबका एक ही ड्रीम है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सेट हो जाए. पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप दिल्ली में हो, कभी कन्याकुमारी में हो, कभी केरला के किसी पार्ट में हो, तो वो भी एक चीज़ है. अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छा सिखाना चाहते हो, तो जो उनको इजी लगता है ठीक है, उसके साथ अपना एक ड्रीम, उनका एक पैशन है उसको फॉलो करिए. मेरे ख्याल से ये मेरी एडवाइस सबके लिए होगी. फॉलोइंग योर व्लॉग्स फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स, आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर बट माई वाइफ डजेंट लाइक डॉग्स. आई फुलफिल माई हॉबी बाई वॉचिंग योर व्लॉग्स. इनका नाम है सोहेल जहीद 1489. थैंक यू सोहेल जी, थैंक यू सो वेरी मच. बट ले लो यार, मैंने भी अपनी वाली को मना लिया था, आप भी मना सकते हो. एक्सक्यूज मी सर, इट्स ए अर्जेंट कमेंट. प्लीज़ मेरे 2 मंथ पपी को लूज मोशन हो गया है, क्या करूँ? उसको वेट के पास लेके जाओ, मैं वहाँ पे हाथ रख के रोक नहीं पाऊँगा आपका डॉग का लूज मोशन. आपको वेट के पास जाना चाहिए. जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे डॉग लवर्स हैं वो चाहते हैं और सोचते हैं कि अगर डॉग को बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉग बिहेवियरिस्ट से नहीं कंसल्ट करना चाहिए. तो नो स्टॉपिंग, गो टू द वेट. If you are reading my comment, I have a suggestion for why don't you change the channel name of Jane Zoe into Chloe and Zoe. It's more suitable. मैं कर सकता हूँ but जे को बुरा लगेगा बड़ा होके. ईद मुबारक. मन्नी दी की भी स्टोरी बताओ. मन्नी दी की, गुरलीन कौर कह रही है मन्नी दी की भी स्टोरी बताओ. मन्नी ने भी अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, मन्नी ने अपनी MBA की हुई है, 12 साल से वो IT के अंदर काम कर रही हैं, यही उसकी स्टोरी है. 5 साल 6 साल हो गए हमें शादी को, 2 बच्चे हमें हैं, बस यही कहानी है. हे राहुल सर, क्या बब्जी ने कभी किसी को काटा है, मीन्स थीफ और समथिंग डेंजरस? प्लीज़ टेक माई कॉमेंट. बब्जी ने आज तक कभी भी किसी को नहीं काटा है ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई गलती से भी चोर चक्का या फिर किसी को वो काट ले, क्योंकि बब्जी का काटा हुआ ना पानी नहीं मांगेगा, वो सीधा हॉस्पिटल मांगेगा और मैं नहीं चाहता वो ठीक है. नाइस व्लॉग एज ऑलवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस टू यू एंड नमिता फॉर योर न्यू कार. थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट. राहुल भैया, दादी काफ़ी टाइम बाद आई हैं व्लॉग में. यस, चलो थर्ड व्यूअर्स, बाकी सारे कॉमेंट्स मैंने ले लिए. 13 मिनट का व्लॉग सेशन बना एडिटिंग के बाद, ये पता नहीं कितने का रह जाएगा. बाकी ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. कल भी आपके कमेंट सेक्शन हम लेंगे, संडे का दिन है, दबा दबा के कमेंट करो, सब पढ़ के मैं आपको संडे भी बताऊंगा. बाकी वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे कोई कमेंट्स नहीं लूंगा, बट पढ़ूंगा, व्लॉग के अंदर ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, किसी एग्जाम्पल से, किसी अपनी लाइफ की रियल लाइफ सिनारियो से. जय माता दी, जय हनुमान जी, एंड नवरात्रे चल रहे हैं, जय माता दी. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के अंदर विद अ न्यू डे, संडे. बाय बाय.